गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर इंग्लिश क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 6, इजियर सेड देन डन. सो एवरीवन टेक आउट योर इंग्लिश ट्रेजर बुक. सब अपने इंग्लिश ट्रेजर बुक निकालो एंड ओपन पेज नंबर 48, चैप्टर 6, इजियर सेड देन डन. Easier said than done का मतलब क्या है? कहना आसान है पर करना मुश्किल है. करने से ज्यादा आसान कहना होता है. लाइक कुछ कुछ बच्चे लोग कहते हैं कि मैं एरोप्लेन उड़ा सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ. बोलते हैं, बोलना आसान होता है कि मैं कुछ कुछ बच्चे लोग तो मैं उसको मार के गिरा दूंगा या मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ये बना सकता हूँ. बोलते हैं, उनको लगता है कि बोलना आसान है, लेकिन जब हम करने जाते हैं तब हमें पता चलता है कि वो काम कितना मुश्किल होता है. अंडरस्टूड? यहाँ एक मजेदार स्टोरी है. एक आदमी रहता है जो हमेशा अपनी वाइफ की कंप्लेन करता है और उसे लगता है कि वाइफ जो घर का काम करती है वो बहुत आसान होता है, लेकिन जब वो काम करने लगता है तब उसे पता चलता है कि ये काम आसान नहीं है. सो शैल वी स्टार्ट द लेसन. फर्स्ट वार्म अप. डू यू डू एनी ऑफ दीज थिंग्स एट होम? टिक द वंस यू डू. इनमें से कौन सा काम है जो आप घर पर करते हो खुद से? फोल्डिंग द क्लोथ्स, क्या आप आपके कपड़े फोल्ड करके रखते हो? वॉशिंग द डिशेस और हेल्पिंग मदर इन द किचन, अपने छोटे छोटे प्लेट कप धोना या मम्मी को किचन में हेल्प करना. अरेंजिंग द बेड एंड द बेडशीट, बेड और बेडशीट को अरेंज करना सुबह सोकर उठना उठते टाइम. एंड अरेंजिंग द बुक्स इन द बैग, अपने बैग में अपने बुक्स खुद अरेंज करके रखना. इनमें से कौन सा काम है जो आप खुद से करते हो? अगर कुछ भी काम आप करते हो तो प्लीज उसके ऊपर टिक लगाइए. नाउ रीडिंग. अब हम स्टोरी पढ़ेंगे. वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ फार्मर नेम्ड हंस. ही लिव्ड इन अ विलेज विथ हिज वाइफ मार्था. एक बार एक फार्मर था, उसका नाम क्या था? हंस. फार्मर का नाम क्या है? हंस. वह विलेज में रहता था उसकी पत्नी के साथ जिसका नाम था मार्था. फार्मर का नाम क्या है? हंस. एंड हंस की वाइफ का नाम क्या है? मार्था. हंस ऑलवेज फाउंड फॉल्ट विद द वे मार्था केप्ट द हाउस. हंस जो है हमेशा गलतियां निकालता था जिस तरह से मार्था अपने घर को रखती थी. मार्था घर का सारा काम करती थी, लेकिन फिर भी हंस हमेशा उसकी कामों की गलतियां निकालता रहता था कि तुमने आज खाना ठीक से बनाया नहीं, तुमने आज घर को ठीक से साफ नहीं करा, तुमने बर्तन नहीं धोए, तुमने कपड़े नहीं धोया, ये तुम्हारा ये काम बिगड़ गया, तुमने ये क्यों नहीं करा, वह क्यों नहीं करा करके हमेशा जो है वो मार्था की बुराइयां निकालते रहता था. हमेशा उसे चिल्लाते रहता था कि तुम कुछ भी काम ढंग से नहीं करती हो. नाउ मार्था वॉज टायर्ड ऑफ हंस कंप्लेन. अब मार्था जो थी वो हंस की कंप्लेन सुन सुन के थक गई थी कि हंस हमेशा मेरी कंप्लेन करते रहता है. सो शी सेड वन डे, आई विल गो आउट टू वर्क इन द फील्ड टुमारो एंड यू टेक केयर ऑफ द हाउस. सो एक दिन मार्था ने कहा कि कल मैं खेत में जाके खेत का काम करती हूँ, आप इस घर की देखभाल करना और घर का सारा काम करना. हमेशा हंस मार्था की कंप्लेन करता था कि तुम कुछ भी काम ठीक से नहीं करती हो. तो मार्था ने कहा एक दिन ठीक है, कल मैं खेत का काम करूंगी, आप घर पे रह के घर का काम करना. नेक्स्ट पेज. हंस वॉज हैप्पी विद दिस आइडिया. हंस जो था वो इस आइडिया से खुश हो गया, बोले ठीक है मैं घर का सारा काम ठीक से करूंगा और मार्था को बताऊंगा कि देखो काम कैसे किया जाता है. वो इस आइडिया से बहुत खुश था. नेक्स्ट डे ही वॉन्टेड टू चर्न द बटर फर्स्ट. नेक्स्ट डे उसने सबसे पहले कौन सा काम किया? सुबह उठते से ही दूध को फेंटने लगा. आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी मम्मी दूध फेंटती है और फेंटने से उसके ऊपर से मलाई निकालते हैं. ठीक है, दूध को जो है बार बार मिक्सर में डालकर या उसका वो फेंटने वाला जो मशीन या स्ट्रिंग आता है उसको फेंटने से क्या होता है, मलाई निकल के आता है. पुराने जमाने के लोग बड़े से एक रस्सी और लकड़ी रखकर उसको ऐसे घुमा के फेंटते थे. तो हंस ने सोचा कि सबसे पहले मैं सुबह उठ के वो काम करूंगा. तो दूसरे दिन वो उठा और दूध फेंट कर चर्न, चर्न मीन्स फेंटना या मथना. ओके, इसको चूर्ण नहीं पढ़ना, इट्स अ चर्न, आर साइलेंट है, चर्न. तो नेक्स्ट डे हंस ने सबसे पहले दूध को फेंट के उसमें से बटर निकाला.
आफ्टर चर्निंग इट फॉर सम टाइम ही फेल्ट थर्स्टी, थोड़ी देर बाद दूध फेंटने के बाद उसे प्यास लगने लगा। ही वेंट डाउन टू द सेलर टू गेट सम एप्पल जूस। पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, अपने बिल्डिंग या अपने मकान के नीचे एक अलग सा कमरा बनाते थे, गोडाउन जैसा, और अपने सारा सामान वहां रखते थे। तो हंस को बहुत प्यास लग रही थी, तो उसने सोचा अब मेरे को थोड़ा एप्पल जूस पीना चाहिए। तो वो एप्पल जूस पीने के लिए नीचे सेलर, बिल्डिंग के नीचे जो कमरा बनाते हैं उस कमरे को क्या बोलते हैं, सेलर। क्या कहते हैं, सेलर। तो हंस सेलर में गया थोड़ा एप्पल जूस निकालने के लिए। एज सून एज ही ओपन्ड द बैरल, बैरल मीन्स यग, ये लकड़ी का ड्रम होता है। पहले के जमाने के लोग ऐसे ड्रम के अंदर एप्पल का जूस या अंगूर का जूस बना बना के भर के रखते, तो इससे ही वह जूस सालों साल तक खराब नहीं होते थे। तो हंस जो है वो अपने सेलर यानी नीचे गोडाउन वाले नीचे के कमरे में गया, ये इसको क्या बोलते हैं, बैरल। क्या कहते हैं इसको, बैरल। बैरल से, बैरल का ढक्कन खोल के उसमें से एप्पल जूस निकालने लगा। और जैसे ही उसने बैरल का ढक्कन खोला तो क्या हुआ, ही हर्ड द बार्किंग ऑफ अ डॉग, इट वॉज इन साइड द हाउस एंड सीम टू हैव नॉक्ड ओवर अ पॉट। उसने देखा वो नीचे उतर के, हंस जो है एप्पल का जूस पीने के लिए नीचे उतर के आया और जो है बैरल का ढक्कन खोलने लगा। और जैसे ही वो बैरल का ढक्कन खोला एप्पल जूस निकालने के लिए, उसे अंदर से एक आवाज आई। क्या आवाज आया, कि कोई कुत्ता अंदर से भौंक रहा है। तो उसको लगा अरे बाप रे, घर के अंदर कुत्ता घुस आया है और वह शायद घर के बर्तनों को या पॉट मटके वगैरह गिरा रहा है। हंस रश्ड अप टू द स्टेयर्स टू चेज द एनिमल आउट ऑफ द हाउस। हंस ने क्या करा, देखा उसने जैसे ही नीचे आके ढक्कन खोला तो उसको कुत्ते की आवाज आई कि कुत्ता घर के अंदर घुस के सामान गिरा रहा है। तो वो फटाक से ऊपर की तरफ भागा और घर से उस जो एनिमल है ना, उस जो डॉग है, उसको भगाने के लिए ऊपर की तरफ दौड़ गया। इन हिज हरी ही फॉरगेट टू शट द बैरल, द बैरल टर्न्ड अपसाइड डाउन एंड द जूस स्पिल्ड ऑन द फ्लोर। अब वो जल्दी जल्दी जब ऊपर भागा तो उस जल्दी जल्दी में उसने बैरल यानी इस लकड़ी के ड्रम का ढक्कन लगाना भूल गया था, और जैसे ही भाग के गया एकदम से ये जो बैरल है वो नीचे की तरफ पूरा गिर गया, पूरा गिर गया, एकदम से नीचे गिर गया। और गिरने से क्या होगा, पूरा जो एप्पल जूस है फर्श पे स्पिल, स्पिल यानी बाहर निकल के आना। यहां तक आपको समझ में आया, हंस एक फार्मर था, उसकी वाइफ मार्था थी, वह घर का सारा काम करती थी, लेकिन फिर भी हंस जो है हमेशा मार्था की कंप्लेन करता था कि तुम कुछ भी काम ठीक से नहीं करती हो। तो एक हंस, मार्था ने कहा ठीक है कल मैं खेत का काम करूंगी, आप घर का काम करना। हंस खुश हो गया। अगले दिन हंस सबसे पहले सुबह उठ के दूध फेंटने लगा बटर निकालने के लिए, और जैसे वह थोड़ी देर फेंटने के बाद उसे प्यास लगती है, वह नीचे सेलर यानी एक कमरा होता है, सेलर में गया एप्पल जूस पीने के लिए। और जैसे उसने इस बैरल को का ढक्कन खोला, उसे एक कुत्ते की आवाज आई। उसको लगा कि घर में कुत्ता आया है, कुत्ता घुस गया और वह पूरा घर के अंदर सामानों को गिरा रहा है। तो वह एप्पल जूस का ढक्कन बंद नहीं करा, मीन्स बैरल का ढक्कन बंद नहीं करा और ऊपर भागा। और जैसे भाग रहा था तो जल्दी जल्दी में जो बैरल है वो नीचे गिर गया और सारा जो एप्पल जूस है फर्श पर फैल गया। ठीक है, नेक्स्ट, हंस पुट द स्ट्यू ऑन द फायर टू बॉइल फॉर लंच। अब उसके बाद हंस ने क्या करा, लंच के लिए दोपहर का खाना बनाने के लिए उसने आग पे स्ट्यू बनाने के लिए उबालने के लगा। स्ट्यू मतलब दलिया, स्ट्यू मतलब ऐसा सूप जैसा होता है या दलिया जैसा होता है। तो उसने लगा कि आग लगाया और बड़े से बर्तन में उसने दलिया रखकर उसमें पानी डाल के उसको पकाने के लिए रख दिया। सडनली ही रिमेम्बर दैट ही हैड फॉरगॉन टू फीड मोई द काउ। तभी उसको अचानक से याद आया कि उनकी जो काउ है, काउ का नाम क्या है, मोई। व्हाट इज द नेम ऑफ द काउ, मोई। तब उसको याद आता है कि अरे यार मैंने तो मोई को खाना खिलाना, खाना देना भूल गया। मतलब वो जब लंच के लिए खाना बना रहा था किचन में, तब उसको याद आया कि मैंने मोई को खाना या घास नहीं दिया। ही टुक मोई टू द रूफ टॉप। उसके बाद उन्होंने क्या करा, मोई उनकी जो गाय है, गाय को ऊपर छत की तरफ लेकर गए। देयर वॉज ग्रास ग्रोइंग अमंग द टाइल्स, उनके छत के किनारे टाइल्स में जो है घास उग रही थी।
तो उसने क्या करा, उसको ऊपर लेकर गया कि मैं मोई को यहाँ ऊपर छत में बांध दूंगा ताकि वह छत के साइड साइड के सारे घास खा लेगी। ही टाइड वन एंड ऑफ द रूफ ऑफ द रोप अराउंड द नेक काउस नेक। उसने क्या करा, एक रस्सी लिया और रस्सी लेकर एक रस्सी का किनारा जो है उसने गाय के गले में बांध दिया। ही स्लिप्ड द अदर एंड डाउन द चिमनी एंड टाइड इट अराउंड हिज ओन लेग। हाँ, अब उसने क्या करा, ऊपर छत है, छत पर मोई के गले में रस्सी बांध दिया। नेक्स्ट उसने क्या करा, उनके छत से जो है एक चिमनी था, जो चिमनी जो है किचन की तरफ से निकल कर आता था, तो उसने क्या करा, वो रस्सी चिमनी के अंदर डाला और किचन में जाके वो चिमनी से रस्सी को पकड़ा और उसका जो दूसरा किनारा है उसने अपने खुद के पैर में बांध दिया। दिस वे ही कुड रिमाइंड हिमसेल्फ ऑफ द काउ ऑन द रूफटॉप। उसने ऐसा क्यों किया, ताकि उसको याद रहेगा कि हाँ मैंने छत पर गाय को बांध के रखा है। लाइक ये हमारा चिमनी है और यहां पर किचन का खाना पक रहा है, मैं रफ बना रही हूं। ओके, जो भी धुआं होता है हम खाना बनाने के टाइम जो भी धुआं होता है वो इस चिमनी के पाइप से बाहर जाता है और यहां पर छत है और यहां पर उसने गाय को बांधा, तो उसने जो है मेक रफ डायग्राम बना, एक रस्सी जो है उसने गाय के गले में बांधा और दूसरा रस्सी जो है उसने चिमनी के अंदर से डालकर अपने खुद के पैर में रस्सी जो है उसने अपने खुद के पैर में बांध दिया। तो इस तरह से उसको याद रहेगा, ये जो रस्सी ऐसा जाकर चिमनी से बाहर जाकर उसने अपने पैर पे बांध दिया। यह छत है, छत के ऊपर गाय है, गाय जो है साइड से पूरा घास खा रही है, एक रस्सी जो है गाय के गले में है, दूसरा रस्सी उसने चिमनी के अंदर से डालकर अपने पैर में बांध दिया और वह किचन का काम करने लगा। तो उसको याद रहेगा जब भी वो रस्सी दिखेगा उसके पैर में तो उसको याद रहेगा कि छत पर मोई को मैंने बांध के रखा है, थोड़ी देर बाद उसको मुझे उतार कर नीचे वापस भी लेकर आना है। इस तरह से उसने मोई को बांध कर नीचे किचन में काम करने लग गया। हंस वॉज नाउ बिजी ग्राइंडिंग द ग्रेन्स। अब जो हंस है अनाज को पीस रहा था, वह किचन में रहकर सारा काम कर रहा था, अनाज को पीसने में वो बहुत बिजी हो गया था। व्हाइल ही वॉज वर्किंग मोई सो अ हैन ऑन द रूफ। अब वह नीचे किचन में काम कर रहा था तब मोई उनकी जो गाय है, गाय ने छत पर एक मुर्गी को देखा। यहाँ पर ये जो गाय है, ये जो छत पर है, उसने एक यहाँ पर मुर्गी को देखा कि यहाँ पर एक मुर्गी छत पर आकर बैठी है। इट डिसाइडेड टू चेज द हैन अवे, हैन अवे। अभी जो गाय है उसने सोचा यार ये छत पर मुर्गी आ गई है, तो गाय जो है वो मुर्गी को भगाने के लिए वहां पर दौड़ने लगी। मोई रैन आफ्टर द हैन इन फुल स्पीड। और जो मोई है वो पूरी तेजी से मुर्गी के पीछे दौड़ने लगी। मीनवाइल द रोप टाइड टू हंस लेग पुल्ड हिम अप द चिमनी। He kept hanging there while the cow was still running wildly on the rooftop. आपको समझ में आया क्या हुआ? हाँ, किचन में जो हंस है यहाँ पर वो काम कर रहा था, उसके पैर में रस्सी बंधा हुआ था और जो गाय है वह छत पर घास खा रही थी, उसने एक मुर्गी को देखा। मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ। उसने एक मुर्गी को देखा, गाय पूरी तेजी से मुर्गी को भगाने के लिए दौड़ रही थी, ठीक है। और वो जैसे ही दौड़ रही थी तो क्या हुआ, अब वो जैसे दौड़ा तो ये जो रस्सी है वो खिंचाने लगा। अब गाय आगे बढ़ी तो जो हंस के पैर का जो रस्सी है वो भी खिंचाने लगा और खींच के क्या हो गया, हंस जो है वो इधर बीच में चिमनी की यहाँ पर लटकने लग गया। आपको समझ में आ रहा है ना, इसमें ड्रॉइंग नहीं बताया है लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे ही गाय मुर्गी को पकड़ने के लिए, मुर्गी को भगाने के लिए दौड़ी तो वो है, जैसे वह दौड़ रही थी तो उसके साथ में वो रस्सी भी खींचा गया और वह रस्सी किसके पैर में बंधा हुआ था, हंस के पैर में। अब जैसे रस्सी खिंचाया तो हंस जो है एकदम से झटके से ऊपर चिमनी के पास लटक गया और जो गाय है वो पूरे छत में दौड़ लगा रही थी
जोर जोर से चिल्लाते हुए और वो मुर्गी को भगा रही थी, और जो हंस है वो एकदम से खिंचाकर यहाँ पर आकर इधर चिमनी की यहाँ पर आके फंस गया और लटक रहा था। मार्था केम बैक एंड हर्ड द काउ मूइंग लाउडली। मार्था वापस आई और उसने देखा कि जो गाय है वो जोर जोर से चिल्ला रही है। मूइंग मतलब गाय की आवाज, वो जो गाय है जोर जोर से चिल्ला रही है। शी रैन अप एंड सेटल्ड मोई, शी ऑल्सो फ्रीड द रोप अराउंड इट्स नेक। मार्था भाग कर ऊपर छत पर गई सीधे और उसने क्या करा, गाय को शांत किया, उसको चुप कराया। गाय जो है वो भाग रही थी पूरे छत पर, तो मार्था ऊपर छत में गई और गाय को चुप कराया, और उसने देखा कि गाय के गले में रस्सी बंधी है, तो उसने क्या करा, वो रस्सी को मोए के गले से निकाल दिया, खोल दिया। As soon as she did this, Hans, who was stuck in the chimney, came rushing down. He fell with his head into the hot stove. आपको ये चिमनी दिख रहा है, यहाँ पर ये हॉट स्ट्यू बन रहा था और हंस जो है, देखो ये रहा, हंस के पैर में जो है ये रस्सी बंधी हुई थी, और ये रस्सी कहाँ से जा रही थी, ये चिमनी के ऊपर से, और हंस जो है यहाँ चिमनी के यहाँ पर लटका हुआ था, और मोई छत पर काम कर रही दौड़ रही थी। मार्था ऊपर छत पर गई और मोई के गले से जो रस्सी उसने खोल दिया। अब जैसे ही मोई के गले से रस्सी खुला, सीधे हंस क्या हुआ, एकदम से जाके फिसल के एकदम से तेजी से नीचे जाके गरम गरम स्ट्यू यानी दलिये के अंदर जो गरम बर्तन है उसके अंदर जाके उसका सर गिर गया और वो पूरा उसके अंदर जाके गिर गया, बर्तन में गिर गया। When Martha came inside the room, she saw butter splashed around. जैसे ही मार्था रूम के अंदर आए नीचे उतर कर, तो उसने देखा कि जो है रूम में पूरा बटर स्प्लैश, मतलब जो बटर है, जो मक्खन है, जो मलाई उसने निकाला तो पूरे कमरे में फैला हुआ है। द जूस वॉज स्पिल्ड ऑन द सेलर फ्लोर, मतलब सेलर नीचे गोडाउन के फ्लोर में जो पूरा जूस है वो भी फैला हुआ है। एंड हर हस्बैंड हेड वॉज इन द स्ट्यू, और उसके उसने देखा कि उसका जो पति का सर है वो भी गर्म स्ट्यू में पड़ा हुआ, मतलब उसका पति पूरा गर्म स्ट्यू के अंदर गिर गया हुआ है। शी हेल्प हिम आउट, उसने उसकी मदद करके उसको बाहर निकाला। हंस प्रॉमिस नेवर टू फाइंड फॉल्ट विथ हर वर्क अगेन। इसके बाद जैसे उसने उसकी मदद करी, उसको बाहर निकाला, फिर हंस ने कहा, मार्था मुझे माफ कर दो, अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कभी भी तुम्हारे काम के लिए मैं तुम्हें कभी भी बुराई नहीं करूंगा। क्योंकि हंस को क्या लगा कि घर का काम करना बहुत आसान है, लेकिन उसको पता चला कि घर का काम करना, खाना बनाना, गायों को देखना, मुर्गियों को देखना, उनको खाना खिलाना, टाइम टाइम से साफ सफाई करना, जब मार्था घर पे थी तो ऐसा कोई भी गड़बड़ नहीं होता था, वो सारा काम ठीक से कर लेती, लेकिन मुझसे तो कुछ भी काम नहीं ठीक से हुआ, पूरा जूस भी गिरा दिया, मक्खन भी फैला दिया, गाय को भी उसने कहाँ बांध के रखा, उसको भी ठीक से खाना नहीं खिलाया, और खुद भी जो है पूरा गर्म हॉट स्ट्यू में गिर गया। तो उसने बोला, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं तुम्हारे किसी काम की बुराई नहीं करूंगा। अंडरस्टूड, यही स्टोरी है कि हम दूसरों के बारे में, जो दूसरे लोग जो काम करते हैं, हम उनकी बुराई करते हैं कि तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो, लेकिन जब हम खुद करने लगते हैं तब हमें पता चलता है कि कोई भी काम इतना आसान नहीं होता है। अंडरस्टूड, कुछ कुछ बच्चे लोग होते हैं मम्मी की बुराई करते हैं कि मम्मी आप कुछ काम नहीं करते हो, आपने ठीक से खाना नहीं बनाया, आपने ये नहीं करा, ये पापा को बोलते हो, ये हम खुद करते हैं, लेकिन जब आप वो काम खुद करोगे तब आपको पता चलेगा कि वो सब काम करना कितना मेहनत वाला काम है। अंडरस्टूड, सो दिस वॉज द स्टोरी, आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ लेट्स डू द बुक एक्सरसाइज, आज हम एक बुक एक्सरसाइज करेंगे। टिक टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स, हमें ये ट्रू फॉल्स करना है। सो फर्स्ट, हंस वॉज अ फार्मर, क्या हंस फार्मर था, जल्दी बताओ, हंस एक किसान था, ट्रू, यस हंस वॉज अ फार्मर। हंस वाइस नेम वॉज मोई, सॉरी हिज वाइस नेम वॉज मोई, हंस की वाइफ का नाम मोई था क्या, फॉल्स, नहीं, वो तो उनकी गाय का नाम था, तो हंस की वाइफ का नाम क्या है, मार्था। द बैरल कंटेन्ड मैंगो जूस, जो बैरल था, जो लकड़ी का ड्रम था, उसके अंदर मैंगो का जूस भरा हुआ था, करेक्ट है, फॉल्स, उसमें क्या था, एप्पल जूस, ये थर्ड वाला फॉल्स है, ओके।
हंस बॉइल्ड स्ट्यू फॉर लंच. हंस ने लंच के लिए स्ट्यू को बॉइल किया, स्ट्यू बना रहा था, दलिया बना रहा था. ट्रू, करेक्ट. हंस टुक द काउ टू द रूफ टॉप. हंस ने गाय को छत के ऊपर लेकर गया था और वहां जाकर उसको बांधा. दैट इज ऑल्सो ट्रू. फर्स्ट वन ट्रू, सेकेंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स, फोर्थ एंड फिफ्थ ट्रू. अंडरस्टूड? नाउ गिव अ रीजन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस. वन हैज बीन डन फॉर यू. अब हमें इसका रीजन बताना, ये कंप्लीट करना है. हंस वेंट डाउन टू द सेलर टू गेट सम जूस बिकॉज ही फेल्ट थर्स्टी. हंस नीचे सेलर में जाकर खुद जूस लेना चाहता था. क्यों? क्योंकि वह प्यासा था, उसको प्यास लगी थी. टू, द जूस स्पिल्ड ऑन द फ्लोर बिकॉज. जूस फ्लोर पर क्यों ढुल गया था, क्यों गिर गया था? बिकॉज, आप बता सकते हो? यस, हंस जो है वो बैरल को बंद करना भूल गया था और जो बैरल है वो उल्टा पलट के गिर गया था. हंस फॉरगॉट टू शट द बैरल एंड इट टर्न्ड अपसाइड डाउन. हंस forgot to shut the barrel. हंस जो है बैरल को बंद करना भूल गया था. एंड इट टर्न्ड अपसाइड डाउन, और वो जो है पलट के गिर गया था. हंस टाइड वन एंड ऑफ द रोप अराउंड द cow's नेक एंड द अदर एंड अराउंड हिज लेग बिकॉज. हंस ने रस्सी का एक किनारा गाय के गले में बांधा था और दूसरा किनारा जो है वो उसने अपने पैर पे बांधा था. क्यों बांधा था? क्योंकि वो खुद को याद दिलाना चाहता था कि उसने गाय को ऊपर छत पे बांध के रखा है. ही वॉन्टेड टू रिमाइंड आर ई सॉरी आर ई एम I and D wanted to remind himself of the cow. On the rooftop. Hans ने गाय का गले में रस्सी का एक एंड एक किनारा बांधा था और दूसरा जो उसने अपने पैर में बांधा था ताकि वह खुद को याद दिला सके. रिमाइंड हिमसेल्फ मतलब वह अपने आप को याद दिला सके कि जो है मैंने गाय को ऊपर छत पे बांध के रखा था. मोई रैन आफ्टर द हैन इन फुल स्पीड बिकॉज. मोई मुर्गी के पीछे तेजी से क्यों भाग रही थी? क्योंकि वह उसको छत से भगाना चाहती थी. गाय मुर्गी को छत से भगाना चाहती थी, इसलिए वह उसके पीछे दौड़ी. तो क्या लिखेंगे? Because it wanted to chase the hen away. उस मुर्गी को वहां से भगाना चाहती थी, इसलिए वह तेजी से दौड़ी. Understood? This much you have to do and read the chapter carefully. Okay? Thank you.